जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय गांधीनगर जयपुर पर जोरदार प्रदर्शन किया। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारियों ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता अमिताभ शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका घेराव किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में पिछले दो वर्षों से लंबित डीपीसी यानी विभागीय प्रोन्नति समिति को शीघ्र आयोजित करना, कार्य प्रभारित कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद भी वेतन बिलों में पदनाम अंकित करवाना और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र समाधान शामिल था। वहीं संघ के महामंत्री मोहनलाल शर्मा ने बताया कि जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के तकनीकी कर्मचारियों की डीपीसी लंबे समय से लंबित है और कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्रकरण पिछले दो वर्षों से लंबित पड़े हैं। कर्मचारियों ने बार बार ज्ञापन देने के बावजूद इन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आक्रोश व्यक्त किया। उधर प्रदर्शन के दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता अमिताभ शर्मा ने कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण वार्ता की और उनकी मांगों को एक महीने के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया। शर्मा ने कहा कि तकनीकी कर्मचारियों की डीपीसी पदोन्नति, कर्मचारियों के वेतन बिलों में पद अंकित करवाने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों का समाधान शीघ्र किया जाएगा। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह शेखावत, शहर अध्यक्ष शहीदुद्दीन, महामंत्री बनवारी लाल सैनी, कोषाध्यक्ष प्रभु सिंह रावत और मीडिया प्रभारी विजय सिंह सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर एक माह में सभी प्रकरणों का समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों की लंबित मांगों के लिए 10 दिन पूर्व ज्ञापन दिया गया, इससे डेढ़ महीने पूर्व ज्ञापन दिया गया। तकनीकी कर्मचारियों की डीपीसी का मैटर था, कर्मचारियों की पदोन्नति हुई उनके पदनाम की मैपिंग का मैटर था और पंप हाउस और क्वार्टरों की रिपेयरिंग का मैटर था, एसीपी का मैटर था। कार्यालय में किसी भी सर्किल कार्यालय में एओ का पद कार्यरत नहीं है, कर्मचारियों के फिक्सेशन होने बाकी पड़े हैं। विभाग की हरदर्मा के कारण आज वाटर कर्मचारी द्वारा प्रदर्शन किया गया, जोर शोर से प्रदर्शन किया गया। पहली मांग थी डीपीसी, विभाग के अधिकारियों की डीपीसी इन्होंने गलत तरीके से सामदाम दंड भेद से करवाई। हमारी भी नीति यही रख रहे थे कि तकनीकी कर्मचारी भी इसमें कुछ व्यवस्था ही करें, हम व्यवस्था करने के लिए सक्षम नहीं थे। आज हमने इसीलिए डीपीसी के लिए अपना प्रदर्शन का मांग रखी और कर्मचारियों ने जोर शोर से इसमें आंदोलन को सही तरीके से सही मूवमेंट भी लेके गई। विभाग के अधिवेदन सकारात्मक वार्ता करते हुए उन्होंने एक महीने का टाइम दिया कि आपकी सितंबर माह में सारे कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे।